उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है, मगर उसके साथ साथ नगर पंचायतों में भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी। इसी चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए जिला बरेली की नगर पंचायत में भी हलचल शुरू हो गई। यहां के एक उम्मीदवार कारोबारी ने अपने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को एवं समर्थकों को प्यार मोहब्बत के साथ लोगों को रिझाने का काम करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इसी आयोजन में उन्होंने अपने समर्थकों से प्यार मोहब्बत से प्रचार के लिए कहते हुए उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आपसे बदतमीजी या डराने का काम कर रहा है तो उसको ईंट का जवाब फिर से दिया जाएगा। आगे प्रत्याशी ने अपने संबोधन में कहा, हम सीधे के लिए सीधे हैं और टेल के लिए उसकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। किसी भी नगरवासी को अगर कहीं मेरी जरूरत है वो आधी रात को मेरा दरवाजा या मेरा फोन बजा सकता है, मेरे लोग और मेरा परिवार हमेशा उनके मदद के लिए तैयार है। इसके बाद प्रत्याशी ने अपने संबोधन में हर महीने में एक मीटिंग रखने का ऐलान करते हुए यह भी निर्देश दिए, हर कार्यकर्ता और समर्थक हर महीने एक आदमी अपने साथ बढ़ा के लाएगा। वही अपने संबोधन में हाजी जमील ने थाने से लेकर कचहरी तक के कामों के लिए प्रत्याशी को तैयार रहने के लिए मशवरा दिया। बरेली उत्तर प्रदेश से फैयाज खान की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। अपलोड खबर आप तक।